हेलो आर्मीज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंडिपेंडेंस डे आने में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो क्यों ना इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड कुछ क्राफ्ट किया जाए। उसके लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड शीट पे हम इंडिया और साउथ कोरिया के मैप को कार्डबोर्ड शीट में ड्रॉ करके कट कर लेंगे। उसके बाद जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ये भी मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स से ही बनाया है। इसे मैंने पूरा टिश्यू पेपर से कवर कर दिया है। कवर करने के लिए मैंने ग्लू और वाटर का यूज़ किया है। जितना ग्लू लेंगे उतना ही हम वाटर लेंगे। उसके बाद इसे क्वान्टिटी को मिक्स करके और टिश्यू को पूरे मैंने बॉक्स में कार्डबोर्ड बॉक्स में अप्लाई कर लिया है, ताकि मुझे ये जो टिश्यू में जिगजैग पैटर्न हो जाते हैं वही चाहिए मुझे। इसे मैंने कल रात में बनाया था ये बॉक्स को। इसे पूरा ओवरनाइट मैंने ड्राई करने के लिए रखा था। उसके बाद इसे ब्लैक कलर से हम पेंट कर देंगे और इसे भी ड्राई करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम एक A4 शीट लेंगे वाइट कलर में। उसके बाद हम जो इंडिया का मैप और साउथ कोरिया का मैप कट किए थे उसके ऊपर हम ग्लू को लगाएंगे और उसके बाद हम पेपर पे इसे स्टिक कर देंगे। और दोनों साइड ही हमें इसे स्टिक करना है, ताकि ये इसका बेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाए। मैंने बॉक्स बनाया था, उसी के साथ मैंने इंडिया और साउथ कोरिया का मैप ड्रॉ कर लिया था कार्डबोर्ड शीट में, लेकिन उसका बेस बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर बन गया था। इसीलिए मुझे ये दोबारा ड्रॉ करना पड़ गया और उसके बाद इसे पेस्ट करना पड़ गया। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। मैंने ये इंडिया और साउथ कोरिया की मैप दोनों पे ही मैंने ग्लू पेस्ट कर दिया है। उसके बाद इसे पेपर पे हम पेस्ट कर देंगे और दोनों साइड ही हम इसे कर देंगे, ताकि इसका बेस अच्छे से मजबूत हो जाए। देख लीजिए, मैंने ये दोनों साइड ही पेस्ट कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम अपने तिरंगा का कलर और साउथ कोरिया का जो मैप का कलर है वो इसके ऊपर कर लेंगे। मैंने इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी और साउथ कोरिया का ट्रेडिशनल ड्रेस हमबोक, इन दोनों को ही मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया था। अब इसे हम कट कर लेंगे और जो हमने बॉक्स पे पेंट किया था ब्लैक कलर का, वो भी अब ड्राई हो गया है। अब इसके ऊपर मैं इंडिया का जो मैप है उसके ऊपर हम ट्रेडिशनल ड्रेस जो साड़ी है इंडिया का वो पेस्ट कर देंगे। साउथ कोरिया का ट्रेडिशनल ड्रेस है हमबुक, उसे भी साउथ कोरिया के मैप पे पेस्ट करके इसके साइड में हम इसे पेस्ट कर देंगे बॉक्स के, जो ऐसे लगेगा बिल्कुल ही। और ये दोनों को मैं पेस्ट कर दूंगी बॉक्स के साथ। देख सकते हैं मैंने ये पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक हार्ट शेप का कार्डबोर्ड कट करके उसके ऊपर वाइट पेपर पेस्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने हाफ इंडिया का फ्लैग और हाफ साउथ कोरिया का फ्लैग इसके ऊपर ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं एक पेपर लूँगी ब्लैक कलर का, उसे स्ट्रिप बाय स्ट्रिप हम इसे कट कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इस स्ट्रिप को हम सारे कट कर लेंगे। उसके बाद ये स्ट्रिप को कट हो जाने के बाद इसे हम हाथों से अच्छे से प्रेस करेंगे, जैसे गिफ्ट हैम्पर में ये पैक होके आते हैं वैसे ही थोड़ा बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही हमें प्रेस कर लेना है दोनों हाथों से। और उसके बाद जो ये बॉक्स है उसके खाली जगह है वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं इसको फिल करने के लिए कर रही हूँ। मैंने इसे दोनों हाथों से अच्छे से कर्ल कर लिया है। अब ये कर्ल हो गए हैं, अब इसे बॉक्स में हम इसे रख देंगे। इसे पेस्ट बिल्कुल ही नहीं करना है ग्लू से, हम ऐसे ही रख देंगे। बस इतना ही प्रोसेस है इसमें। अब इसके ऊपर एक स्ट्रिप लेंगे वाइट कलर के, उसके ऊपर हम लिख देंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बस ये हमारा DIY बनके तैयार है इंडिपेंडेंस डे क्राफ्ट के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना है ऐसे ही वीडियोस के लिए। मैंने अभी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख दिया है और ये बस हमारा ये क्राफ्ट बनके रेडी है इंडिपेंडेंस डे के लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे क्राफ्ट बनके बिल्कुल ही रेडी है। पर्सनली ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ये मेरे को अपना क्राफ्ट। इसमें इंडिया और साउथ कोरिया की इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है और सेम डेट पे हमारे इंडिपेंडेंस है। हमारा इंडिपेंडेंस है, कितनी खुशी की बात है। सेकंड क्राफ्ट ये है पेपर कैप्स, जो मैंने तिरंगा कलर में बनाया है। पहले ऑरेंज की स्ट्रैप ली है, फिर ग्रीन वाइट की स्ट्रिप ली है। स्क्रीन पे आपको मेजरमेंट शो हो रहे होंगे। अभी इन्हें हम पेस्ट कर देंगे और बीच में हम अपने अशोक चक्र को ड्रॉ कर लेंगे और इसे फोल्ड करके हम स्टेपलर कर देंगे, नहीं तो आप ग्लू भी कर सकते हो अब उसके बाद हम एक कार्डबोर्ड शीट लेंगे। उसके बाद हम जो पेपर कैप्स होते हैं उसका जो स्ट्रिप है हम उसे कट कर लेंगे ड्रॉ करके, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। बस पेपर कैप्स बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाएंगे। ऐसे ही सेम हम साउथ कोरिया का भी बनाएंगे। मैंने ये स्ट्रिप कट कर लिया है कैप का। अब उसके बाद ऑरेंज और ग्रीन से इन पेपर
से हम इसे पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही सेम मैंने इसी प्रोसेस से साउथ कोरिया का भी कैप बनाया है। बस इतना ही प्रोसेस है ये पेपर कैप बनाने में। मैंने इंडिया और साउथ कोरिया दोनों का ही बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देख सकते हैं ये साउथ कोरिया का भी मैंने बना लिया और ये इंडिया का है। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय आर्मीज़।